खरगोन पीजी कॉलेज के प्रोफेसर की शिकायत का मामला जब कलेक्टर निर्वाचन कार्यालय पहुंचा तो शिकायतकर्ता को ही एक कार्यालयीन कर्मचारी ने पुलिस कार्रवाई की धमकी दी। बताया जा रहा है कि 6 मई को दो प्रोफेसर्स सेल जोशी और अशोक गुप्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई थी। दोनों प्रोफेसर्स ने आदर्श आचार संहिता का सोशल मीडिया में उल्लंघन किया है, यह आरोप कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाया था। इसी बात पर एसडीएम कार्यालय के एक कर्मचारी ने धमकी भरे सुरों में पेश होने के लिए कहा। इसी के बाद फरियादियों ने कर्मचारी के खिलाफ और दोनों प्रोफेसर्स के खिलाफ हल्ला बोलते हुए आज फिर शिकायती आवेदन दिया है। यासिर पठान कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि यह सब ठीक नहीं हो रहा है। संबंधित मामले में प्रशांत सावले ने भी कार्रवाई की मांग की। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। चूंकि अभी चुनाव लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, इसके अंतर्गत माननीय चुनाव आयोग महोदय ने पूरे देश के अंदर आदर्श आचार संहिता लागू की थी और उस आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की हमने शिकायत की थी। पिछली 6 तारीख को शासकीय कर्मचारी जो कि अशोक गुप्ता सर हैं और मैडम है शील जोशी मैडम, उनकी शिकायत की थी हमने। और उन शिकायतों के बाद में 6 तारीख को हमने उनकी कंप्लेन की थी कि सोशल मीडिया के ऊपर वो एक पार्टी विशेष भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के अंदर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अशोक गुप्ता सर हैं और शैल जोशी कौन है प्रोफेसर है, पीजी कॉलेज के प्रोफेसर हैं, उनके हमने लिखित में शिकायत की थी। उस शिकायत के बाद में हमने जो है कि संबंधित विभाग को कार्रवाई के लिए प्रेषित किया था। उसके बाद उन पर कार्रवाई हुई नहीं हुई इस संबंध में हमको कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ। कुछ दिन पहले अभी 2 दिन पहले जो हमने सोशल मीडिया पर फिर देखा, अशोक गुप्ता सर ने फिर जो है कि एक पार्टी विशेष के पक्ष के अंदर और एक पार्टी विशेष के विरोध के अंदर एक सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो वायरल किया। उसकी फिर हमने पुनः शिकायत करी लेकिन आज तक हमको उस शिकायत का कोई प्रति या शिकायत के ऊपर क्या कार्रवाई हुई। आपने क्या शिकायत की है इस विषय को लेकर? सोशल मीडिया तो एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म है, उस पर कोई भी अपनी टीका टिप्पणी कर सकता है। बिल्कुल टीका टिप्पणी कर सकता है लेकिन आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कोई भी सरकारी पद पर पदस्थ कर्मचारी या अधिकारी इस तरह की कहीं भी किसी भी पार्टी विशेष के पक्ष या विरोध के अंदर नहीं कर सकते, नियमानुसार गलत है जी। अभी हमने फिर से शिकायत की है और अभी तक हमने उनसे एक लिखित के अंदर अभी एक आवेदन हम और दे रहे हैं। इसके अंदर हम संबंधित विभाग के अंदर जो शिकायत की थी उसकी जो हमको प्रति अभी तक प्राप्त नहीं, उसके फोन आया था जो शिकायतकर्ता थे उनको संबंधित विभाग से फोन आया था। जब उनसे बात करी उन्होंने आने के अंदर तुरंत आने के अंदर असमर्थता जाहिर की कि मैं थोड़ा सा अभी व्यस्त हूँ, अभी नहीं आ पाऊँगा। तो उनको ये बोला गया है कि आप आइए, अगर आप नहीं आएंगे तो आपको पुलिस उठाने के लिए आएगी।